हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज 3 मार्च है और 3 मार्च का करंट अफेयर लेकर हम हाजिर हैं। कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 2 अप्रैल थी और कल ही के दिन ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस था, जिस दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चीन ने COVID-19 के इलाज के लिए किस जानवर का पता लग पित्त का की सिफारिश की है और यह की है भालू के। रेडियो स्कूल कार्यक्रम किस राज्य द्वारा लागू किए गए, तो यह मध्य प्रदेश द्वारा लागू किए गए। किस उप गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया और यह थे BP कानून को। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन कहाँ चलाया गया और यह चलाया गया हिमाचल प्रदेश में। ICICI बैंक में बीमा के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया और यह किया गया है भारत पे द्वारा। भारत पे किस राज्य सरकार ने वेतन कटौती का फैसला किया है और यह किया है महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य ने। यहाँ के ए और बी कर्मचारी का 50% और 75% वेतन काटा जाएगा। कोरोना वॉच ऐप यह लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। कोरोना की जानकारी के लिए अर्जुन देव यह कौन थे और यह एक इतिहासकार थे। कम लागत का पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने विकसित किया है और यह विकसित किया है IIT कानपुर ने। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और यह है आरोग्य सेतु ऐप। अब और भी ऐप लॉन्च किए गए हैं अभी तक, उनके बारे में भी जान लें। और यह है कर्नाटक सरकार ने किया है कोरोना वॉच ऐप, क्वारंटाइन ऐप किया है IIT मुंबई ने, और कोरोना कवच ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और आरोग्य सेतु ऐप भी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप में यह ट्रैक किए जाएंगे, कोरोना संक्रमित को ट्रैक किया जाएगा और इसमें जो है सावधानियां रखने को कहा गया है कोरोना कवच ऐप में। राज कॉप सिटीजन ऐप यह राजस्थान सरकार ने किया, ये ई पास देने के लिए किया गया है। आगे चलें और इस ऐप का देख सकते हैं, इस प्रकार का लोगो है। विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है और यह घोषणा की गई है एक बिलियन डॉलर। विश्व बैंक की बात हुई है, विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है Washington DC में। इसके स्थापना 1944 या 45, दोनों ये जो भी ऑप्शन में आ जाए उसको दे दिया जाता है। 44 में इनकी स्थापना हुई थी। वैसे प्रमुख डेविड मालपास हैं यहाँ के अध्यक्ष और CEO हैं अंशुला कांत। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो सुंदरम हाउस फाइनेंस के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बन गए हैं और यह बने हैं लक्ष्मी नारायण दुरास्वामी और यह जो है श्रीनिवास आचार्य जी की जगह लेंगे। श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनकी जगह लेंगे। COVID-19 के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप स्थगित कर दी गई है और यह इसका आयोजन अब कब किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। और भी क्या स्थगित हुआ है खेलों के क्षेत्र में, यह जो विंबलडन होता है टेनिस का ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से एक होता है विंबलडन और इसको भी रद्द कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है 1 साल के लिए, अब 2021 में होगा। और हो सकता है जो इंडिया में IPL हो वो भी स्थगित हो जाए, अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से पता चलेगा। प्रज्ञा कार्यक्रम यह किस राज्य द्वारा लागू किया गया और यह लागू किया है असम ने। इस कार्यक्रम में क्या है, इस कार्यक्रम में रेडियो द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम रेडियो स्कूल, यह MP सरकार ने लॉन्च कर चुका है। और असम की बात हुई है तो असम के CM हैं सर्वानंद सोनेवाला और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। और असम को आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ है असम और असम की राजधानी है दिसपुर। और यदि असम को और जूम करके देखें तो यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये
और यह जाती है बांग्लादेश में। यहाँ असम में ही इस ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है और इससे ऊपर तिब्बत की ओर इसको सांगपो बोला जाता है। और असम के ही गुवाहाटी में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। फिलिप एंडरसन, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक भौतिक विज्ञानी। इनको नोबेल भी प्राप्त था जो कि 1977 में मिला था और इनकी उम्र 96 साल की थी और इन्हें अमेरिका के नागरिक थे। इन्हें आप फोटो में देख सकते हैं, ये ही हैं फिलिप एंडरसन। क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम इसी लुईस के नाम पर टोनी लुईस इनका नाम था। और यह जो क्रिकेट का नियम है डकवर्थ लुईस, यह क्रिकेट मैचों में वर्षा के दौरान डकवर्थ लुईस नियम का उपयोग किया जाता है। और क्रिकेट की बात हुई है, क्रिकेट का हेड आईसीसी और आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई 1909 में, इसका मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में हेड हैं शशांक मनोहर जी और सीईओ हैं मनु सहानी। यहाँ से बीसीसीआई का भी पूछ सकते हैं, बीसीसीआई के हेड हैं सौरभ गांगुली और सीईओ हैं राहुल जौहरी जी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये ही हैं आपके टोनी लुईस। कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की? और यह लॉन्च की है फोन पे द्वारा बजाज के साथ मिलकर यह लॉन्च किया गया है। और हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भी भारत पे से मिलकर एक समझौता किया था जो कि बीमा के क्षेत्र में ही था। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस देश ने सनराइज मिशन लॉन्च किया है? और यह किया है अमेरिका ने। अब जान लेते हैं इस मिशन में क्या है। इस मिशन के अंतर्गत सूर्य पर होने वाले सौर तूफानों की जानकारी का पता लगाया जाएगा। अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यह जो नासा द्वारा किया जाएगा, नासा यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत में जो है इसरो जो है स्पेस एजेंसी है। जापान में जक्सा बोला जाता है, जक्सा, और रूस में रॉस कॉस मॉस। यह यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम हैं। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और यह किस सरकार ने की है? तो यह की है दिल्ली सरकार। दिल्ली की बात हुई है, दिल्ली के सीएम हैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।